शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लूटपाट के इरादे से चाकू मारने का मामला सामने आया है, जहां चाकू के हमले से घायल व्यक्ति का उपचार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के महामाया मंदिर के पास किराए के मकान में रहने वाले रामचंद्र ने बताया कि बीती रात वह वापस आ रहा था, तभी बाजार डांड पटवारी ऑफिस के पास कुछ लोग उसे रोककर उससे मारपीट करने लगे और उसकी पॉकेट में हाथ डालकर रुपए तलाश करने लगे, जिसके बाद एक व्यक्ति ने चाकू निकालकर रामचंद्र पर हमला कर दिया। चाकू के हमले से दो बार बचने के बाद तीसरी बार चाकू रामचंद्र के पेट में जा घुसा, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर पहुंचा, जिसके बाद परिजन उसे लेके मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं इस पूरे मामले में कोतवाली थाना प्रभारी की माने तो मामला इससे विपरीत है। थाना प्रभारी ने बताया कि पूरा विवाद किसी बच्चे को लेकर हुआ था, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई। वहीं चाकू मारने वाले आरोपी को प्रार्थी की शिकायत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जाँच की जा रही है। अपना नाम बता दीजिएगा। रामचंद्र सिंह। कहाँ रहते हैं? चांदनी बिहारपुर के रहने वाला हूँ सर। मैं महामाया मंदिर किराया पे रहता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं लेबर कुली काम करता हूँ सर। क्या हो गया था कल रात में आपके साथ? कल रात में सर, जिसके घर किराया में रहता हूँ उसके यहाँ महीना पूर गया, तो वो बोला कि बाबू मेरा आवास आया है, इस घर को मैं तोड़वाऊँगा, अपना किराया दूसरे जगह कुछ दिन के लिए देख लो, फिर आके यहीं रह जाना। तो मैं बोला ठीक है, आप तोड़वाएंगे तो मैं जा रहा हूँ। तो एक तो चाना बेचती हैं आंटी, वो छुच्छी का मुर्गा दुकान है सर, उसके बगल में किराया रूम में खोज के आ रहा था। तो बाजार डांड पटवारी ऑफिस में मेरे पास दो आदमी पहले बोले, पटवारी ऑफिस के जस्ट वही सामने सर, बाजार डांड पे, वो बोले कि तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं बोला भैया ऐसे ऐसे बात है, मैं किराया खोजने गया था रूम। तो बोले कहाँ के हो? मैं बता दिया चांदनी बिहारपुर के। तो बोल रहा था साला बाहरी आदमी, तुम इतना रात को घूम रहे हो, और टाइम सर 8:30 बज रहा था। बोला सारे इतना रात को तुम घूम रहे हो? तो मैं पकड़ लिए सर कालर, फिर मैं उस आदमी को बोला भैया छोड़िए छोड़िए, तो फिर पॉकेट में हाथ डालने लगा। मैं बोला भैया छोड़िए छोड़िए कैसे कर रहे हैं, फिर मारे मेरे को 2-3 थाप। और इसके बाद मारने के बाद सर मैं दो आदमी मेरे को पकड़े थे, फिर एक आदमी को मैं छोड़ा लिया, अपने से झटकार दिया, फिर बाद में सर वो चाकू चला दिया। एक चाकू चलाया तो मेरे बगल में शर्ट भर कटा है, नहीं पड़ा है। दूसरा चाकू चलाया सर तो फिर भी नहीं पड़ा, मैं इसे खींचा गया उसकी तरफ। जब तीसरा चाकू चलाया सर तो मेरा हाथ में पकड़ा, उसका हाथ को पकड़ा तो मेरा उंगली कट गया और मेरा पेट में चाकू घुस गया सर। कौन थे उनको पहचानते हैं आप? जी मैं उसको पहचानता हूँ, एक आदमी को नटवा पिंटू नाम है सर, एक तो उसका भाचा था, और जो थे सर मैं उनको नहीं जानता हूँ, नहीं पहचान पाता हूँ। लूटपाट के इरादे से? जी लूटपाट के इरादे से सर, वहाँ पे वो लोग बैठे थे बाजार डांड पटवारी ऑफिस के बगल में। इसकी शिकायत की है कि नहीं आप लोगों ने? इसकी शिकायत सर मैं अभी नहीं किया हूँ, मैं अब यहाँ कंप्लेन लिखवाने के लिए बोल रहा था कोतवाली थाना अंबिकापुर में, तो मैं जाने का सर क्षमता नहीं है मेरे पास, मैं नहीं चल फिर पाता हूँ, इसकी वजह से मेरा वाइफ आज जाने वाली है। तो पैसा सब लूटे हैं क्या आपको? पैसा नहीं लूटे हैं सर, मेरे पास पॉकेट में पैसा नहीं था। सर एक मारपीट का मामला सामने आया है, पीड़ित ने बता रहा है कि चाकू मार दिए हैं, लूटपाट करने के इरादे से, क्या मामला सामने आया अभी तक? ये थाना कोतवाली अंतर्गत जो है चांदनी बिहारपुर का एक आदमी है रामचंद्र सिंह जो है, वो किराए में आकर यहाँ महामंदिर के पास रहता है, और वहीं पर पड़ोस में जो है पिंटू ये लोग हैं, उनके साथ जो है शायद बच्चे की बात को लेकर, बच्चा कुछ बोल दिया इस बात को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, और इसी दौरान मारपीट हुए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे विवेचना किए जा रहे हैं।